हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि हम फाइल को कैसे रिकवर कर सकते हैं, या हमारा हार्ड ड्राइव से या पेन ड्राइव या मेमोरी चिप से कोई भी अगर फाइल, हमारा डाटा अगर डिलीट हो जाता है या फॉर्मेट हो जाता है तो हम उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, रिकोवा नाम का। तो ये देखिए, मैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सिंपली गूगल पे जाके RECUVA ये सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। आप इसे टाइप कीजिए और गूगल में, इसकी दो वर्ज़न है, एक पेड वर्ज़न एक फ्री वर्ज़न। आप फ्री वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हैं, पेड वर्ज़न समथिंग 700 के आसपास आएगा। तो मैं यहाँ पर फ्री वर्ज़न जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे और हमारा सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड होने लगेगा। तो चलिए हम पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है हमारे सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, आप भी अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब हम जो है, ये देखिए हमारा ये मेमोरी ड्राइव है, ये हमारा पेन ड्राइव है। तो हम इस पेन ड्राइव में कुछ हमारे पास डाटा है, कुछ पिक्चर है हमारे पास, उसे हम डिलीट करेंगे और फिर हम उसे रिकवर करके आपको दिखाएंगे। ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो इस पेन ड्राइव में मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। हम इसे सिंपली अपने पेन ड्राइव को जो है पूरी तरीके से डिलीट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ 8-10 फ़ोटोज़ हैं हमारे पास में। तो हम इस पेन ड्राइव को सबसे पहले फॉर्मेट मार देंगे, ठीक है। फॉर्मेट, ये देखिए आप, हमने पेन ड्राइव को फॉर्मेट मार दिया। तो ये हमारा पेन ड्राइव जो है फॉर्मेट हो चुका है, पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले अपने वो जो रिकोवा सॉफ्टवेयर है उसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, हमें पिक्चर सिलेक्ट करना है। आपको ऑल फाइल अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ड्राइव चूज़ करना है, हमें एक ड्राइव, स्पेसिफिक ड्राइव हमें चूज़ कर लेना है सबसे पहले। तो मेरा यहाँ पर था दोस्तों डी ड्राइव, जो हमारा पेन ड्राइव था वो डी ड्राइव था। यहाँ पर देखिए मैंने डी ड्राइव चूज़ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एनेबल डीप स्कैन, हमें इसे एनेबल कर लेना है ताकि वो डीपली स्कैन कर सके हमारे पेन ड्राइव को। तो हम यहाँ पर एनेबल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारा रिकवरी स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये कुछ टाइम लेगा दोस्तों फाइल के हिसाब से, तो जब तक रिकवरी होता है तब तक मैं अपने वीडियो को रिज्यूम कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं अब दोस्तों हमारा 98% हो चुका है लगभग, अब हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंप्लीट होने के बाद इंटरफेस ऐसा आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए। अब हमें यहाँ पर कौन सा पिक्चर हमें चूज़ करना है रिकवरी करने के लिए, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने सारे पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन सा आपको रिकवर करना है, वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर अपने जो जो पिक हमें रिकवर करना है वो हमें सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें रिकवरी के ऑप्शन पे जाना होगा दोस्तों। हमने अपने पिक्चर सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जो है रिकवरी का ऑप्शन आ चुका है। अब हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपके राइट साइड में रिकवरी का ऑप्शन आ चुका है। हमें यहाँ पर सिंपली रिकवर में जाना है, तो ये हम रिकवरी पे जाएंगे। अब हमें अपने फ़ोटोज़ को कहाँ रिकवर करना है, तो सिंपली मुझे अपने डी ड्राइव, अपने पेन ड्राइव में ही रिकवरी करना है। ये देख सकते हैं आप, मेरा पेन ड्राइव पूरी तरीके से खाली है, जो हमने फॉर्मेट कर दिया था। तो हम फिर से अपने इस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो हमने ये पेन ड्राइव अपना सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ओके कर देते हैं, देन हम यस कर देंगे। अब देखिए हमारा फाइल जो है रिकवरी हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा रिकवरी हो चुका है। तो ये देखिए हमारा सारा डाटा जो भी था वो रिकवर हो चुका है। अब मैं आपको माई कंप्यूटर पे जाके, ये देखिए पेन ड्राइव में मेरा सारा डाटा आ चुका है।
तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही इजी वे में अपने कोई भी डाटा जो आपने लॉस कर दिया है उसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें दोस्तों, और इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस सॉफ्टवेयर को सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने खोए हुए डाटा को रिकवर कर सकते हैं। और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।